हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसका स्कोप क्या क्या है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखो बच्चों, आपने प्रीवियस जो भी हमारा प्रीवियस सेमेस्टर था उसमें आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपने स्टडी की। आई होप कि आप सबको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पता भी होगा, है ना? आपको अगर नहीं भी पता तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में होगा ही, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने किस चीज़ की स्टडी की? फिजिकल ज्योग्राफी की। और अभी हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए गाइस, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? हम स्टडी करते हैं फिजिकल नेचर के बारे में, है ना? हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जो भी हमारा भौतिक पर्यावरण है, हमारा वातावरण है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, क्योंकि अभी हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं, हम क्या स्टडी करते हैं कि फिजिकल नेचर और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है गाइस, तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है हमारा? ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी और ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। मतलब जो भी मतलब हमारा क्या है, फिजिकल नेचर, जो भी हमारा भौतिक पर्यावरण है, ठीक है ना, और जो भी हमारा क्या है मानव दुनिया है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वो हम किस में पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो यहाँ लिखा हुआ है एम हेंसिस इज ऑन स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब प्राकृतिक और मानव के मतलब ये किसके ऊपर जोर डालते हैं, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम कम्प्लीटली किसकी स्टडी करते हैं कि हमारा नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है गाइस, तो अभी हमारे कुछ ज्योग्राफर हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। अगर हम उनकी डेफिनेशन को देखें तो देखिए, जो हमारे ज्योग्राफर हैं रेडजेल, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। मतलब जो हमारा मानव भूगोल है वो किस चीज़ की स्टडी है? ह्यूमन सोसाइटी की वो क्या करता है? स्टडी करता है, सिंथेटिक स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी की। ठीक है गाइस, और किसके मतलब किसके साथ करता है? वो करता है अर्थ सरफेस, मतलब कि पृथ्वी के साथ, है ना, पृथ्वी की सतह के साथ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो भी हमारी एक डेफिनेशन है जो दी है किसने गाइस, एलेन सी सैंपल ने दी है हमारी ये डेफिनेशन। इनका ये मानना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी स्टडी है? चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अब देखिए गाइस, अनरेस्टिंग मैन, अब हमें पता है हम ह्यूमन बींग्स हम शांति से नहीं बैठ सकते, हैं ना, ऐसा होता रहता है ना कि इंसान बैठा बैठा भी हिलता रहता है। तो उन्होंने उसी के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है अनरेस्टिंग मैन। और अनस्टेबल अर्थ का मतलब ये है कि हमारे अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो हमारा जो अर्थ है वो भी क्या है? अनस्टेबल है, है ना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इसी की स्टडी है गाइस। आप सिंपल सा समझिए, ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी स्टडी है? जो भी हमारा फिजिकल नेचर और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसी के, वही हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है। तो देखिए गाइस, अगर हम नेचर के बारे में बात करें, हम ये रिमूव कर देते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, ये आपके एग्जाम में भी काम आ सकता है, बल्कि आएगा, आप स्क्रीन शॉट ले लेना गाइस। जो नेक्स्ट है वो है हमारा नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है। तो अगर हम नेचर की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। अब देखिए गाइस, इसके अंदर मतलब आपको पढ़ना क्या है, मेन हमारा नेचर क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इंटर रिलेशनशिप है किसके बीच में? फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के बीच का। मतलब कि
अगर हम बात करें कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर में किस चीज़ की स्टडी करेंगे, तो हम स्टडी करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है। और जो किसने किया है इंटर रिलेशनशिप, जो किसने बनाया है, वो बनाया है हमने, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। अब देखिए गाइस, इसका मतलब हमारा क्या है। देखिए, फिजिकल एनवायरनमेंट हमें पता है क्या है, हमारा वातावरण के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जो भी हमारा फिजिकल वातावरण है उसके बारे में बात हो रही है। सोशल कल्चर एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है गाइज, तो देखिए सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर हमारा आता है सोशल सिस्टम एंड कल्चर ऑफ अ नेशन। मतलब अब आपको पता है, जैसे कि आप भारत में हो तो आपका अपना कल्चर है, आपकी अपना नेशन है ना, हमारे जो फेस्टिवल है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे नेशन में जाओगे, दूसरी कंट्री में जाओगे, तो वहाँ पर अपना उनका क्या है, उनका अलग नियम है। तो इसे ही हम बोलते हैं सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर हमारे क्या आते हैं गाइस, संस्कृति आती है हमारी, जो भी ठीक है ना कल्चर है वो आता है हमारा सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो, इसका जो नेचर है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि इंटर रिलेशनशिप किस चीज़ के संबंध के बारे में पढ़ते हैं, जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है और सोशल कल्चर एनवायरनमेंट है उसके बारे में। और ये किसने बनाया, ये ह्यूमन बींग्स ने ही बनाया है ना गाइस। क्योंकि अब आप देखिए, अगर आप अभी दूसरे एरिया में हैं तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ अलग होगा। अगर आप दूसरे किसी एरिया में जाओगे तो वहाँ पर अलग होगा। चाहे आप ड्रेसिंग सेंस में ले लीजिए, चाहे आप खाने की चीज़ों में ले लीजिए। आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा एलिमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो अभी हमने जैसे देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो नेचर है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है ना। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि जो ये फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या क्या आता है, तो उसके अंदर आपको पता है लैंडफॉर्म आएंगे हमारे, सोइल आती है, क्लाइमेट आता है हमारा, नेचुरल वेजिटेशन है हमारे, जो ये सब आते हैं ना, जो भी फिजिकल चीज़ें होती है वो सब। और अगर हम बात करें सोशल कल्चर की, तो अभी मैंने आपको बताया ये किससे रिलेटेड है सोशल कल्चर, ये है हमारा कल्चर से रिलेटेड। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आएगा, आपका हाउसेज है, विलेज है, सिटी है हमारा, फर्म होती है हमारी, इंडस्ट्रीज होती है, ये सब ठीक है। और गाइस हमें भी पता है कि हमने जो अपना फिजिकल एनवायरनमेंट है वो मॉडिफाई किया है, और अगर हमने जैसे वो मॉडिफाई किया है तो उसके इम्पैक्ट भी हमें ही देखने पड़ते हैं, है ना गाइस। अब आप देखिए, अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है गाइस, तो उसमें भी किसकी गलती है, ह्यूमन बींग्स की गलती है। तो ये तो हमें पता है कि जो भी हमारा जो वातावरण है, जो भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो हमने काफ़ी मॉडिफाई कर दिया, और उसके जो बैड इम्पैक्ट है वो भी ह्यूमन बींग्स की वजह से ही है, और हमें देखने भी वो खुद ही पड़ रही है। आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप क्या है। तो देखिए गाइस, किसी भी सब्जेक्ट के स्कोप से मतलब क्या है कि आपको सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, हम उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। और हमें पता है गाइस, फिजिकल ज्योग्राफी का स्कोप की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी वाइड था, और जो ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप है वो भी वाइड ही है ना। उसके अंदर भी आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप। तो इसके अंदर तो देखिए, द स्कोप ऑफ एनी सब्जेक्ट इज अ स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स और कंटेंट कवर्ड इन दैट सब्जेक्ट। मतलब जो भी स्कोप होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं, जो भी उस सब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट है, जो भी कंटेंट कवर करना होता है उस सब्जेक्ट के अंदर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन रेसिस के बारे में पढ़ते हैं हम, और जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका डेमोग्राफिक अट्रीब्यूट, माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं हम, पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल कल्चर डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन ग्रुप्स और इकोनॉमी एक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे गाइस आप, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर हम रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट हमारा, और कितनी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, ये सब आप किसके अंदर पढ़ोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे। और हमारे इम्पैक्ट क्या क्या है, हम मतलब हमने अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से मॉडिफाई किया है, क्या क्या उसके इम्पैक्ट है, वो भी हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, ये हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप, ये हमारा नेचर ह्यूमन ज्योग्राफी का, और ये हमारी मीनिंग डेफिनेशन। आई होप गाइस कि आपको क्लियर होगा, एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
एंड गाइस, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।